पुलवामा हमले के बाद देश उबल रहा था। लोग जवानों की शहादत में गमगीन थे। हमले के बाद से ही देश के पीएम मोदी देश की जनता को ये भरोसा दे रहे थे कि इस हमले के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है कि ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। लेकिन जनता भरोसा नहीं, एक्शन की मांग कर रही थी। सरकार ने एक्शन लेते हुए पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा छीना और अब केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पुलवामा हमले के बाद एक्शन में आई सरकार ने जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। केंद्र सरकार के इस फैसले को सियासी गलियारों में बड़ा फैसला माना जा रहा है। यह फैसला दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में लिया गया था। सूत्रों के अनुसार मीरवाइज के अलावा अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी और शब्बीर शाह के सुरक्षा कवर वापस ले लिए गए हैं। हालांकि इस आदेश में पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी का कोई जिक्र नहीं है। अलगाववादियों को दिए गए सुरक्षा और वाहन रविवार शाम तक वापस ले लिए जाएंगे। अगर उनके पास कोई और भी सुविधा है तो उस सुविधा को तुरंत वापस ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए राजनाथ सिंह ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का नाम लिए बगैर कहा था कि पाकिस्तान और ISI से आर्थिक मदद लेने वालों की सरकारी सुरक्षा पर नए सिरे से विचार किया जाएगा, जिसके बाद सरकार का यह फैसला आतंकियों को मदद करने वाले अलगाववादियों को बड़ी चोट पहुंचाएगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।